दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जिला जांजगीर चांपा के बारे में। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप जांजगीर चांपा जिले की विभाजन के बाद क्या क्या बदलाव हुई है जिसे आप आसानी से जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए फिर चलते हैं जांजगीर चांपा की शानदार सफर पे। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और एक बेहद ही खूबसूरत जिला है। इस खूबसूरत जिले को छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि ये जिला छत्तीसगढ़ राज्य के हृदय हिस्से में स्थित है। वहीं जांजगीर चांपा जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है जो पहले बिलासपुर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था जिसे 25 मई 1998 में बिलासपुर जिले से विभाजित कर जांजगीर को एक नया जिला बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन चांपा और जांजगीर की विवाद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जांजगीर और चांपा को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया जिसके अंतर्गत 890 गांव, 657 ग्राम पंचायत, 9 ब्लॉक और 15 तहसीलों को शामिल किया गया जो फिर से 2021 में जांजगीर चांपा को विभाजित कर 5 तहसीलों को मिलाकर सक्ती को एक नया जिला बनाया गया। और आज सिर्फ जांजगीर चांपा जिला 525 गांव, 335 ग्राम पंचायत, 5 ब्लॉक और 10 तहसीलों में ही सिमट कर रह गया है जिनमें बलौदा तहसील, अकलतरा तहसील, जांजगीर तहसील, नवागढ़ तहसील, चांपा तहसील, पामगढ़ तहसील, शिवरी नारायण तहसील, सारागांव तहसील, बमनीडी तहसील और बारादवाल तहसील शामिल है। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिला कोरबा, बिलासपुर, बलौदा बाजार और सक्ती जिले से घिरा हुआ है। वहीं जांजगीर चांपा जिला मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के केंद्र हिस्से में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत जिला है जो अपने विष्णु मंदिर, शिवरी नारायण मंदिर, शमलेश्वरी माता मंदिर, कालेश्वर नाथ मंदिर, मड़वा रानी मंदिर, जाजल्य देव महोत्सव, मगरमच्छ पार्क और अपने उद्योगों एवं कोशा रेशम और सोने पीतल धातु के कामों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे तेजी से विकसित होने वाले जिलों में से एक है जहां पर कई सारे परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे कि बांध परियोजना, हसदेव परियोजना एवं अन्य औद्योगिक परियोजनाएं शामिल है। वहीं जांजगीर चांपा जिले की जांजगीर शहर आज के समय में काफ़ी तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है और वहीं चांपा शहर पहले से ही जांजगीर चांपा जिले की सबसे बड़ी औद्योगिक केंद्र है जहां पर मध्य भारत पेपर लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मड़वा पावर प्लांट और कई मेगा पावर प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा जांजगीर शहर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है जहाँ दूर दराज से छात्राएँ कंप्यूटर कोर्स के लिए जांजगीर शहर आते हैं। वहीं चांपा शहर अपने कोशा रेशम की शुद्धता के कारण लगभग पूरे भारत में जाना जाता है और यहाँ के देवांगन एवं अन्य लोगों द्वारा बनाए गए वस्तुएं दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है कोटमी सुनार जहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क स्थित है। और तो और दोस्तों, जांजगीर चांपा जिले में ही बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा शिवरी नारायण मेला लगता है और शिवरी नारायण का मेला खासकर अपने सिनेमा घरों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में काफी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, जांजगीर चांपा जिले में ही बिलासपुर संभाग का सबसे ऊंचा पर्वत भी स्थित है जिसे दलहा पहाड़ के नाम से जाना जाता है और यहीं पर नाग पंचमी के दिन एक भव्य मेला भी लगता है। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़ा पावर हब बनने जा रहा है क्योंकि जिले में 52 से भी अधिक बिजली संयंत्र खोले जा रहे हैं जिसके कारण जांजगीर चांपा जिले को छत्तीसगढ़ राज्य का ऊर्जा नगरी के नाम से भी पहचाना जाएगा। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले में स्थित रामायणकालीन इंद्रपुर जो वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य का काशी भी कहा जाता है जहाँ पर शबरी माता मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है। इतना ही नहीं दोस्तों, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के संगम पर स्थित है शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिले की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।
जहाँ पर नर नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, शिवरी नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर और चंद्रचूड़ का मंदिर स्थित है। वहीं जांजगीर चांपा जिले की सबसे प्रसिद्ध मेला मड़ई और महोत्सव दल्हा पहाड़ मेला, पीथमपुर मेला, शिवरी नारायण मेला, लखन घाट मेला, कुटी घाट मेला, जाजल्य देव महोत्सव और शिवरी नारायण महोत्सव है। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले की प्रशासनिक मुख्यालय पलचूरी वंश के महाराजा जाजल्य देव का शहर जांजगीर में स्थित है। वहीं जांजगीर चांपा जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन ये जिला 2975 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां की वर्तमान समय में जनसंख्या 11 लाख के करीब है। वहीं इस जिले की कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 986 महिलाएं हैं और यहां की प्रत्येक आबादी 430 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। जांजगीर चांपा जिले की 10% आबादी ही शहरों में निवास करती है और 90% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। जांजगीर चांपा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, हस्तशिल्प एवं कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों और खनिजों पर आधारित है। वहीं जांजगीर चांपा शहर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर है और संभाग मुख्यालय बिलासपुर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। जांजगीर चांपा जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG11 है। वहीं जांजगीर चांपा जिले से 5 प्रमुख नदियां बहती है, महानदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदी। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिला शिक्षा के दृष्टि से आज के समय में काफी विकसित हुआ है, जहाँ की कुल साक्षरता दर 75% से भी अधिक है और यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उत्कर्ष शिक्षा महाविद्यालय, आयुष्मान नर्सिंग कॉलेज, ज्ञानोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पंडित हरिशंकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जांजगीर चांपा, जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा, गवर्नमेंट PG कॉलेज चांपा, गवर्नमेंट TCL कॉलेज जांजगीर, गवर्नमेंट इंद्रजीत सिंह कॉलेज अकलतरा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जांजगीर, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज नवागढ़, श्री महंतलाल दास आर्ट एंड साइंस कॉलेज शिवरी नारायण, GRD कॉलेज पामगढ़, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आर्ट एंड साइंस कॉलेज बलौदा एवं जाजल्य देव गर्ल्स कॉलेज जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। जांजगीर चांपा जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं छत्तीसगढ़ी, हिंदी एवं अन्य हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिला पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग और सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। जहां रेल मार्ग की बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है चांपा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो जिले की सबसे व्यस्त और सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ट्रेन रुकती है। इसके अलावा सड़क मार्ग की बात करें तो जांजगीर चांपा जिला बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर शहर से जुड़ा हुआ है। इनके माध्यम से आप ट्रेन, बस या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए जांजगीर चांपा जिला आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं जांजगीर चांपा जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें शिवरी नारायण, खरौद, दल्हा पहाड़, कोटमिशोनार, मड़वारानी मंदिर, विष्णु मंदिर, समलेश्वरी माता मंदिर, सोनगुड़ा जलप्रपात, पहरिया धाम, कोटगढ़ किला, देवरघटा, मंदनपुरगढ़ का झरना, पीथमपुर मंदिर एवं जांजगीर चांपा जिला, जो अपने आप में ही एक खूबसूरत स्थान है। तो मेरे दोस्तों, हमने इस वीडियो में शक्ति जिले की डाटा को अलग करके वीडियो बनाया है। अगर कुछ गलत हो गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको शक्ति जिले के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको भी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।